हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, ए, एन एंड द। बट आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमको वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं किड्स। हमारी इंग्लिश अल्फाबेट फैमिली में 26 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 लेटर्स ए, ई, आई, ओ एंड यू, इनको बोलते हैं वोवल्स। और बाकी जितने भी लेटर्स बच गए उनको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। किड्स, अब जब हमें वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पता चल गए हैं, तो अब हम जानेंगे आर्टिकल ब्रदर्स को, जो कि है ए, एन एंड द। तीनों के तीनों भाई नाउंस की ओर इशारा करते हैं, यानी नाउंस के पहले लगाए जाते हैं। जो जुड़वा भाई है ए एंड एन, ये दोनों सिंगुलर नाउन को पॉइंट करते हैं। और इनमें से जो बड़ा भाई दा है, वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नाउन की ओर इशारा करता है। आर्टिकल ए एंड एन आमतौर पर वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल एंड वन थिंग के साथ देखे जाते हैं। वैसे तो दोनों जुड़वा हैं, पर दोनों की अलग-अलग हॉबीज हैं। आर्टिकल ए ऐसे नाउन के साथ देखा जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल, अ बस, अ काउ, अ गर्ल, अ जू। आर्टिकल एन को ऐसे नाउन्स को सुनना पसंद है जो वोवल के साउंड से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑक्टोपस, एन इंक बॉटल, एन एलिफेंट। चलो अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें ये तीनों आर्टिकल ब्रदर्स एक साथ दिखें। दैट इज अ स्टॉल, देर इज एन अम्ब्रेला ऑन द स्टॉल। ये देखकर हम कह सकते हैं कि आर्टिकल ए एंड एन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। आर्टिकल द जब नाउन को किसी सेंटेंस में दूसरी बार बताया जाता है तब यूज होता है, इसीलिए इस सेंटेंस में द स्टॉल होगा। लेट्स रिव्यू। एन यूज होगा ए, ई, आई, ओ, यू से पहले, जो वोवल्स हैं। एप्पल, एप्पल शुरू होता है ए से। ए इज अ वोवल, सो एन एप्पल। एलिफेंट, जो कि शुरू होता है ई से। ई इज अ वोवल, सो एन एलिफेंट। आइसक्रीम, आइसक्रीम शुरू होता है आई से, एंड आई इज अ वोवल, सो एन आइसक्रीम। ऑरेंज, ऑरेंज शुरू होता है ओ से। ओ इज अ वोवल, सो एन ऑरेंज। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शुरू होता है यू से। यू इज अ वोवल, सो एन अम्ब्रेला। ए यूज होगा कॉन्सोनेंट्स के आगे। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। स्टार, जो कि शुरू होता है एस से। एस इज अ कॉन्सोनेंट, सो अ स्टार। बुक, जो कि शुरू होता है बी से। बी इज अ कॉन्सोनेंट, सो अ बुक। चाइल्ड, जो कि शुरू होता है सी से। सी इज अ कॉन्सोनेंट,
consonant. So, a child. Woman, जो कि शुरू होता है W से. W is a consonant. So, a woman. The का use किसी भी specific and particular noun के आगे लगता है. Singular and plural noun के साथ लगता है. And जब किसी noun को second time बताया जाता है, तब भी the लगाया जाता है. For example, the sun. Sun मतलब सूरज, जो कि singular है और पूरी दुनिया में भी एक ही है, यानी specific है. इसीलिए इसके आगे the लगेगा. The moon. Moon means चांद. Again, moon भी singular है और पूरी दुनिया में एक ही है, यानी specific है. इसीलिए इसके आगे भी the लगेगा. The moon. The Taj Mahal. Taj Mahal भी singular है और specific भी है, इसीलिए इसके आगे भी the लगेगा. The dogs. यहाँ बहुत सारे dogs की बात हो रही है. And जब भी कोई noun plural होता है, तो उसके आगे the लगाया जाता है. The kids. Kids मतलब बच्चे. यहाँ भी plural की बात हो रही है, तो the लगेगा, यानी the kids. The books. Books मतलब किताबें. Again, ये भी plural है, तो इसके आगे भी the लगेगा.